साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कुसमुंडा क्षेत्र में विस्थापित वर्ग की समस्याएं कायम है। अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे आश्वासन के बावजूद समाधान के रास्ते नहीं निकल सके हैं। विस्थापित संघ मांग कर रहा है कि कुसमुंडा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक को यहां से हटाया जाए। कोल इंडिया की बड़ी कंपनी SECL के लिए ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली परियोजनाओं में कुसमुंडा का नाम शामिल हो गया है। इसके विस्तार का काम चल रहा है और भविष्य के लिए यहाँ से काफी संभावनाएं देखी जा रही है। इन सबके बीच परियोजना के लिए जिन गांव की जमीन प्रबंधन के द्वारा अर्जित की गई है वहां से जुड़ी पुनर्वास और रोजगार की समस्याएं अभी भी कायम हैं। इसे लेकर काफी समय से यहां पर प्रदर्शन जारी रहा। कुछ मौकों पर प्रशासन की दखल और कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर प्रदर्शन समाप्त हो गया। विस्थापित कल्याण संघ के अध्यक्ष राधेश्याम कश्यप का आरोप है कि झूठा आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त करा दिया गया, इसलिए इस क्षेत्र के CGM को हटाना चाहिए। 27 तारीख को जो ऐतिहासिक हड़ताल हुआ था खदान बंदी में, कुसमुंडा खदान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 1 मई को पहला वीक में शुरुआत करूंगा और 1 आदमी को रोजगार दिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था और बोला था कि ऐसा अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं जो इस्तीफा दे दूंगा, मतलब रिजाइन दे दूंगा, ऐसा बोला था, जिसका वीडियो भी बना है और जो लिखित में भी दिया है, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाए। इसीलिए मैं हम लोग कैप्टन मैडम से मिलने के लिए आया हूँ। झूठ बोलने में माहिर खिलाड़ी, ऐसा GM को यहाँ से भगा जाए कुसमुंडा से, जो बिल्कुल कोई काम करनी है। याद रहे SECL कुसमुंडा के लिए पाली पड़ानिया के आसपास की जमीन कई वर्ष पहले अधिग्रहित की गई। कुछ मामलों में प्रभावित लोगों को रोजगार दे दिया गया जबकि कई मामलों में यह कार्रवाई अभी भी लंबित है। इसे लेकर मौके पर बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं और कोयला खदान में उत्पादन संबंधी गतिविधियां ठप की जा रही हैं। कंपनी के नए CMD प्रेम सागर मिश्रा ने समस्या को समझने के साथ इसके समाधान के बारे में अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है। इन सब के बावजूद काफी समय से हो चुके नामांकन के बाद नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, यह समझ से परे है। ग्रैंड एशिया न्यूज कुसमुंडा से अमरिक सिंह के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।